हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनेलो के गढ़ में जमकर बरसे। इनेलो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 15 सालों से इनेलो सत्ता से दूर रही है और वहीं आने वाले 15 सालों तक सत्ता में नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के डबवाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जिए जवान जिए किसान रैली में 73 करोड़ 35 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 70 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा, लगभग 112 करोड़ रुपए से भाखड़ा मेन ब्रांच की चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार करवाने तथा गोरीवाल उप तहसील को तहसील के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिरसा जिला इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा तो हरियाणा के कोने कोने में भाजपा का परचम इसी तरह लहराएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वर्ष 2014 में जिस भरोसे के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाकर राज पलटा था, हमने पिछले 4 वर्षों में 48 साल से चली आ रही राजपाट करने की व्यवस्था को पलटा है। ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ कर पर्ची और खर्ची वाली प्रथा, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते रहे परंतु किया कुछ नहीं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसान ही सरकार की प्राथमिकता है और किसानों को सिंचाई के लिए हर हालत में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा और पूरे राज्य में पानी का एक समान बंटवारा किया जाएगा और हर टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमे की योजना के नाम पर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह करती रही हैं। उन्होंने भिवानी तथा सिरसा में सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल को हुए नुकसान की भरपाई आगामी 10 दिनों के अंदर अंदर करने की घोषणा की। कालावाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। मुझे एक ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है जो देश में आबादी में तो सिर्फ 2% है, लेकिन हम देश की प्रगति में, चाहे जवान की बात हो चाहे किसान की बात हो, जवान हमारे यहां पूरी जो रक्षा सेना है उसके अंदर हरियाणा के 10% जवान है, 10%। और जो हम किसान के नाते अन्न उपजाते हैं, जो देश के लोगों की पेट की भूख को मिटाते हैं और दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे किसान का जो उत्पाद है देश भर का, उसमें हम 15% का कंट्रीब्यूट करते हैं। 15% मित्रों, 2014 में इस प्रदेश की जनता ने बहुमत देकर के राज को पलटा। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने शासन में बैठाया, आपने तो राज को पलटा, लेकिन पिछले इतने सालों के 48 सालों के राज को करने वाली जो पद्धति थी, राजकाज का जो तरीका था, हमने 4 सालों में उस राजकाज के तरीके को पलट दिया। राजकाज का जो पहले तरीका होता था, खर्ची और पर्ची का सिस्टम, भाई भतीजावाद का सिस्टम, कुड़बा का जो आधिपत्य होता था, मेरा कुड़बा जो है वो आधिपत्य रखेगा, गुंडागर्दी का जो राज होता था, बिचौलिए जो इसमें बन करके और सरकार के काम आपके करवाते थे, हमने आकर के वो सब बंद कर दिए। हमने सब जगह समान विकास किए। 2017-16 के अंदर 2 साल में 90 की 90 विधानसभाओं में गया हूं। आपको याद होगा कि यहाँ 2016 के महीने में साल में मैं आया था और उस समय 90-100 करोड़ रुपए की घोषणा करके गया था पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज कई काम मुझे बताए गए हैं कि जिनका उस समय काम शुरू किया गया, इन्हों को आज उद्घाटन हुए। आज 19 कार्यक्रम ऐसे थे जिनका या तो उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास हुआ है। 81 करोड़ रुपए की योजना है आज जनता को समर्पित करने की। केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हक में है। हम लोग देख रहे हैं कि आज देश के अंदर 22 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की सरकार है। लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में थोड़ी कमी है, राष्ट्रपति आज हमारे हैं, उपराष्ट्रपति हमारे हैं, जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें हमारे विचार के लोग वहां है, इसलिए
लिए आज मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की और जो विचारवाद लोग हमारे साथ आके मिले, हमने सबको साथ लेके हम चले और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो क्षमता थी सब दलों को साथ लेके चलने की, उस क्षमता के आधार के ऊपर आज सारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल ये भारतीय जनता पार्टी बन गया, सबसे बड़ा दल बन गया। और मैं आपको उसे अपील करूंगा कि इस इलाके में भी लोगों को समझना चाहिए कि जिस दल के साथ इलाके के लोग लगे हैं वो 15 साल पहले राज में था, 15 साल से राज नहीं आया। और मैं दावा करके कह सकता हूं कि कम से कम अगले 15 साल में और नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना होगा कि चौधरी देवीलाल जी जिनके हम प्रशंसक हैं वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन उनकी राजनीति के समय वो चाहते थे कि मेरा विचार दूर दूर तक फैले। चार बेटे थे, चारों बेटों को समान रूप से देखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हैसियत को आता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उस परिवार का नौजवान ये आदित्य चौटाला है।